बरेली में ईद के दिन भाजपा के जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार कश्यप जी के ऊपर रिवॉल्वर तान के मंजूर अहमद ने चलाई गोली। सुनील कुमार कश्यप आज ईद के दिन अपने क्षेत्र में लोगों को ईद की बधाई देने के लिए गांव पहुंचे हुए थे और उसमें ही मंजूर अहमद उर्फ इनके विपरीत व्यक्ति जो कि राजनीति में आपस में दोनों काफ़ी पुराने रंजिश मानी जाती है, कुछ आपस में कहा सुनी हो के होने के बाद मंजूर अहमद ने इन कश्यप जी के ऊपर रिवॉल्वर तान के गोली चला दी। कश्यप जी को अपनी जान बचाने के लिए कहीं किसी घर में छुपना पड़ा, जिसके ऊपर आज बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने आके थाना घेरा और मंजूर अहमद को गिरफ्तार करने के लिए तहरीर दी जा रही है। क्या मामला आपका और क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ भाजपा से। बाबरी मिलक में जो है मुझे बुलाया था करने की, जो ईद के चक्कर में मुबारकबाद देने के लिए मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद में जब मैं बैठा हुआ था जो मुझसे जो मंजूर अहमद जो है जो मुझसे रजिस्ट मांगता है मानता है उसकी इलेक्शन की। अब जो बोला कि मुझे बीमारी कर लिया। अब जैसे मैं बैठा हुआ था तब तक जो है एक राइफल जो थी वो लेके आए पुलिस घोटे वाले की जो है मेरे दुश्मन के लिए बैठा रखा है, इसने ऐसे करी मैं इतने में जो भाग के जो जिसके यहाँ गया था जब पर उसके अंदर जाकर कमरे में जाकर मैंने भाग के अपनी जान बचाई, मैंने अंदर से क्वाड लगा ली। जब यहाँ से पुलिस पहुँची तब मैंने क्वाड खोली, गोली चली थी। आप बालो बचे, अब आपका क्या है इसका? मैं मुकदमा कायम कराऊंगा जिस बात कई बार, और इससे पहले भी धमकी दे चुका है और इससे पहले एक आशुतोष है उसे भी करते हैं, आशुतोष चौहान है उस पर भी फायरिंग कर चुका है, वो भी कटिंग है। अभी तक पकड़ा गया? मैं अंदर बैठा हुआ है थाने में। अब आप क्या चाहते हैं? मुकदमा चाहते हैं। ठीक है।